बेटा आवाज आ रही है? यस मिस। जी चलें कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सेंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन प्रॉक्सिमल पोर्शन। अब सुन ले, हम दो टर्म्स यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, नजदीक वाला, पास वाला, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है पास होना, नजदीक होना। तो प्रॉक्सिमल का मतलब है जो पोर्शन हार्ट के पास है, पहला वाला पोर्शन, और डिस्टल का मतलब दूर वाला, अवे, डिस्टेंस पे। सही। अभी अभी मैंने आपसे कहा स्टमक के फंक्शनली तीन हिस्से हैं, पहला हिस्सा बॉडी, दूसरा हिस्सा फंडस और तीसरा हिस्सा पाइलोरिक। सबसे ज्यादा डाइजेशन पहले पोर्शन में होती है, कहाँ? बॉडी और फंडस में, प्रॉक्सिमल पोर्शन में, और आखिरी पोर्शन है पाइलोरिस। तो बची कुछ जो बच गई, सिर्फ वो डाइजेशन कंटिन्यू होती है डिस्टल में। कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन प्रॉक्सिमल स्टमक में होती है और थोड़ी सी सिक्रीशन डिस्टल स्टमक में होती है। जी ये देखिए, स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ। ये हमने कहा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक पोर्शन है, नहीं गलत कह रही हूँ, ये कार्डियक है, इसको हमने कहा ये कार्डियक है और ये पाइलोरिक है। अब सेल्स को देखिए, ये पराइटल सेल्स हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स या पराइटल सेल, ये दो चीजें बनाते हैं, HCL और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये सबसे ज्यादा कहाँ लोकेटेड होते हैं? इन दो पोर्शंस में, बॉडी और फंडस में। और दूसरी तरह के म्यूकस बनाने वाले और हार्मोन बनाने वाले जी सेल्स, ये सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं? आखिरी पोर्शन में, पाइलोरिक में। बिल्कुल सही। तो अब पराइटल बॉडी में सबसे ज्यादा होती हैं और फंडस में सबसे ज्यादा होते हैं, और ये वही समरी है जो हमने अभी अभी पढ़ी। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टमक में रुक जाएगी। शुरू कहाँ से हुई थी? माउथ कैविटी में सलाइवरी एमाइलेस से शुरू हुई थी। तो अब जो खाना स्टमक में पहुंचा है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी चेन डेक्स्ट्रिंस की फॉर्म में है। जब आपने खाना खाया था तो ये खाना किस फॉर्म में था? लंबी चेन्स, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में था। एमाइलेस ने क्या किया इसको? एमाइलेस ने इन लंबी लंबी चेन्स को छोटी छोटी चेन्स बना दिया। इन छोटी चेन्स को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रिंस। स्टमक में मौजूद खाने में सारे कार्बोहाइड्रेट डेक्स्ट्रिंस की फॉर्म में हैं। स्टमक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पॉज है, स्टॉप है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, अब देखिए, स्टमक में पेप्सिन प्रोड्यूस हुआ। पेप्सिन पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। पेप्सिनोजन इन एक्टिव एंजाइम है। बहन तुम उधर चली जाओ। मम्मा आई एम स्टडीइंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तुम भी पढ़ रही हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, तुम उधर चली जाओ। यू आर डिस्टर्बिंग। अच्छा जी, क्या करें, पढ़ाई का माहौल बना हुआ है, हर बंदा घर का पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लूँ कुछ। अच्छा जी, पेप्सिन। पेप्सिन किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा? पेप्सिन की फॉर्म में नहीं, बल्कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो इसको एक्टिव कौन कर रहा है? HCL। HCL क्या क्या काम कर रहा है ये देखिए। विदाउट HCL पेप्सिनोजन वुड नॉट बी एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन। HCL क्या क्या करता है? HCL बैक्टीरिया किल करेगा, स्टमक में मौजूद खाने की पीएच को एसिडिक बना देगा, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बना देगा। ये तीनों काम HCL ने किए। ओके, तो गैस्ट्रिन क्या करता है?
गैस्ट्रिन हार्मोन है, हार्मोन कभी भी कैविटी में प्रोड्यूस नहीं होता, हार्मोन हमेशा ब्लड में प्रोड्यूस होता है, हार्मोन ब्लड के थ्रू ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन उसको बताता है कि तुमने क्या करना है। तो यहाँ गैस्ट्रिन ने हार्मोन बनाया, जी सेल्स ने गैस्ट्रिन हार्मोन बनाया, सेल का नाम भी गैस्ट्रिन है, हार्मोन का नाम भी गैस्ट्रिन है। ये गैस्ट्रिन कहाँ गया? ये स्टमक की वॉल में मौजूद ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने कहा, ब्रेन ने उसको ऑर्डर दिया, ब्रेन ने उसको असाइनमेंट दिया गैस्ट्रिन को कि तुम जाओ पैराइटल सेल्स के पास और जाके बोलो कि वो बहुत सारा पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करे, और तुम जाके चीफ सेल्स को बोलो कि वो और ज्यादा HCL बनाए। दो तरह के सेल्स हैं जो सिक्रीशन कर रहे हैं म्यूकस के अलावा, वो तो पैराइटल और चीफ सेल्स हैं, एक बनाएगा HCL, एक बनाएगा पेप्सिनोजन। तो गैस्ट्रिन किसके पास जाएगा? गैस्ट्रिन ब्लड में मिक्सअप होके पहले ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने उसको असाइनमेंट दिया कि तुम्हारा काम है एक्टिवेट करना किसको, दोनों सेल्स को, तुम पैराइटल सेल को भी जाके ऑर्डर करो और तुम चीफ सेल्स को भी जाके ऑर्डर करो कि दोनों अपनी सिक्रीशन बनाए। अच्छा, जब ये सिक्रीशन बन जाएंगी, यहाँ गौर करें, ये देखें हमने क्या पढ़ा। बेटा मैं आपको बहुत सारी फिगर से इसलिए समझाती हूँ, किसी बच्चे को कहीं से समझ आता है, किसी बच्चे को किसी जगह बात क्लियर होती है, तो आपको जो इजी लगता है आप उसको फॉलो करें। ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया पांच तरह के सेल्स हैं। ये कौन है? ये छोटा सा पोर्शन है। हाँ मिस, अभी आपने बताया कि गैस्ट्रिन दोनों को एक्टिवेट करता है, दोनों को करता है, बिल्कुल बिल्कुल। और मिस, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि HCL एक्टिव करता है पैथोजन, एक सब कर रही हूँ मैं। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा अब देखो, यहाँ पांच तरह के सेल्स हैं। कौन? दो तरह के म्यूकस सेल्स हैं, ये सरफेस म्यूकस सेल है और ये नेक म्यूकस सेल है, दोनों का काम है म्यूकस बनाना। ये पैराइटल सेल है जिसका काम है HCL बनाना, और ये चीफ सेल है जिसका काम है पेप्सिन बनाना, पेप्सिनोजन बनाना। ये जी सेल है जिसका काम है गैस्ट्रिन हार्मोन बनाना। मैंने आपसे कहा पैराइटल सेल बनाएगा HCL, ये HCL पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, पैराइटल सेल पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन कहाँ है? पेप्सिनोजन तो अभी सेल के अंदर है, पेप्सिनोजन तो अभी सेल के बाहर आया नहीं। पेप्सिनोजन को कौन बोलेगा बाहर आने के लिए? चीफ सेल को कौन बताएगा कि स्टमक में खाना पहुंच गया, अब तुम बाहर आ जाओ? जी सेल। जी सेल बनाएगा गैस्ट्रिन हार्मोन, जी सेल चल के थोड़ी जाएगा, जी सेल बनाएगा हार्मोन गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन ब्लड में मिक्सअप होके ब्रेन के पास गया और ब्रेन से ऑर्डर लेकर इन दोनों के पास आया। अब देखो, पहले भी HCL प्रोड्यूस हो चुका है लेकिन पेप्सिनोजन पहले प्रोड्यूस नहीं हुआ, पेप्सिनोजन को किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारा काम करने का वक्त आ गया, बाहर आ जाओ। HCL पहले प्रोड्यूस हुआ तो उसने दो काम किए, खाने के साथ मिक्सअप होके HCL ने उसे एसिडिक बना दिया ताकि उसकी pH 7 से 6 हो जाए, 6 से 5 हो जाए, 5 से 4 हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक हो जाए, और इसी HCL ने खाने में मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर दिया। रमशा आपका माइक चेक करो, हफ्सा आपका माइक चेक करो, ठीक है जी। ये देखिए, जब खाना जैसे ही स्टमक में एंटर हुआ, सबसे पहले सिक्रीशन पैराइटल सेल करेगा, सबसे पहले क्या चीज स्टमक में प्रोड्यूस होगी? HCL। ये HCL खाने के साथ मिलके उसकी pH को एसिडिक बनाएगा
और उसमें मौजूद बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब दूसरे नंबर पे जी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जी सेल्स बनाएंगे गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन स्टमक के अंदर नहीं आता बल्कि ऊपर ही ऊपर, बाला ही बाला ब्लड में मिक्सअप होके ब्रेन के पास गया और वहीं से वापस ब्लड में मिक्सअप होके स्टमक के पास वापस आया। जी सेल से प्रोड्यूस होने वाला गैस्ट्रिन ऑर्डर लेकर गैस्ट्रिन जी सेल के पास वापस नहीं आएगा, इन दोनों के पास आएगा। पैराइटल सेल को बोलेगा तुम दूसरी दफा HCl प्रोड्यूस करो, और चीफ सेल को बोलेगा तुमने जितना पेप्सिनोजन बना लिया वो सारा बाहर रिलीज करो। नाउ सेकेंड टाइम प्रोड्यूस होने वाला HCl विल एक्टिवेट पेप्सिनोजन, कहाँ? स्टमक के अंदर। मेरी बात समझ में आई? यस मिस। अच्छा yes. अब ये जो HCl प्रोड्यूस हुआ, अब ये खाने की pH चेंज करने के लिए नहीं है। अब ये HCl दो काम करेगा, पहला पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन बना देगा, दूसरा प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड के अंदर घुस घुस के फाइबर्स को तोड़ेगा, काटेगा, ताकि वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, उनके अंदर गैस्ट्रिक जूस पेनिट्रेट कर जाए। HCl डाइजेशन करेगा कौन सी? मैकेनिकल। HCl केमिकल डाइजेशन भी करेगा, कैसे? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, चेन्स को अलग अलग करेगा ताकि गैस्ट्रिक जूस अंदर आ जाए, और गैस्ट्रिक जूस में मौजूद पेप्सिनोजन जो अब पेप्सिन बन चुका है, ये पेप्सिनोजन पेप्सिन बनने के बाद पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। ओके रेगुलेशन, ये वही बात है जो हम अभी तक करते आए कि स्टमक में खाना पहुंच गया, अब स्टमक को कौन बताएगा कि तुम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो, कितना करो और कब करो? तीन फेजेस हैं। गैस्ट्रिक जूस की सीक्रीशन तीन दफा होती है। पहला फेज कहलाता है सिफेलिक। सिफेलिक में सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व है। ब्रेन को कैसे पता? साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड। आपने खाना देखा या खाना सूंघा, खुशबू आ रही है कहीं से, ये दोनों चीजें देखकर मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन से मैसेज आएगा, ऑर्डर आएगा स्टमक के पास, और स्टमक क्या बनाएगा? स्टमक पहली दफा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा, और इस गैस्ट्रिन की वजह से पहली दफा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। दूसरी दफा सेकेंड फेज कहलाता है जब खाना स्टमक में एंटर हो। जब खाना स्टमक में एंटर होता है तो अभी अभी बताया आपको, जैसे ही HCl स्टमक की वॉल को टच करता है, जैसे ही खाना स्टमक में एंटर हुआ HCl प्रोड्यूस होगा। जैसे ही HCl स्टमक की वॉल को टच करेगा, यहाँ मौजूद सारे जी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे सेकेंड टाइम। ये गैस्ट्रिन ब्रेन के पास जाएगा और ऑर्डर लेकर फिर वापस आएगा स्टमक के पास, और ये सेकेंड टाइम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगा। खाने में जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगी उतना ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, आपने डबल रोटी का स्लाइस खाया, डबल रोटी का स्लाइस जैसे ही स्टमक में एंटर होगा, हाँ जी ब्रेड का स्लाइस कार्बोहाइड्रेट है, वो जैसे ही स्टमक में एंटर होगा HCl प्रोड्यूस होगा, लेकिन पेप्सिनोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। पेप्सिनोजन तो सिर्फ प्रोटीन के लिए प्रोड्यूस होता है। ओके
तो जब पेप्सिनोजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये खाना ज्यादा देर के लिए स्टमक में रोका भी नहीं जाएगा, जल्दी आगे भिजवा दिया जाएगा। थर्ड और आखिरी फेज तब है जब खाना डाइजेस्ट हो चुका, पूरा खाना स्टमक ने डाइजेस्ट कर लिया, अब वो थोड़ा थोड़ा करके आगे भिजवाएगा इंटेस्टाइन के पास। जैसे ही ये खाना तीसरी दफा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फॉर द लास्ट टाइम गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, फॉर द लास्ट टाइम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, ताकि आगे जो खाना भिजवा दिया गया उसके बाद जो पीछे खाना बचा उसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ प्रोटीन्स अनडाइजेस्टेड रह जाएं, अगर ये प्रोटीन्स आगे चली जाएंगी अनडाइजेस्टेड तो ये आगे जाके पेट में दर्द करेंगी। ओके, ये फेज कहलाता है इंटेस्टिनल फेज। हम फिर एक और तरीके से देखेंगे इसको, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टमक, स्टमक में कोई भी चीज गैस्ट्रिक कहलाती। तो हमने कहा स्टमक की सारी सीक्रीशंस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस तीन दफा प्रोड्यूस होता है। पहला फेज कहलाता है सिफेलिक। आपने जैसे ही खाना देखा और स्मेल किया 30% गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ स्टमक में। फिर जब ये खाना स्टमक में एंटर हुआ तो कितना गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, 60%। पहले 30% हुआ था, 30% वाले ने स्टमक की भूख को बढ़ा दिया था, इश्तहा आपको तलब हुई थी खाने की। अगर ये नहीं होता, सिफेलिक फेज नहीं होता, गैस्ट्रिक जूस यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, आपका स्टमक एक्टिवेट नहीं होता, तो आपको खाने की तलब भी नहीं होती। ओके, सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक फेज में प्रोड्यूस होता है 60%। फिर जब खाना फुली डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक अपना काम कंप्लीट कर लेता है, तो आखिरी फेज है इंटेस्टिनल। ओके, इसमें हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ स्टमक में प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए, ये पहला फेज है सिफेलिक, खाने की साइट और स्मेल ने एक्टिवेट कर दिया स्टमक को। दूसरा फेज है गैस्ट्रिक, जिसमें जी सेल्स भी एक्टिवेट हो गए और गैस्ट्रिक जूस बनाने वाले सेल्स भी एक्टिवेट हो गए। तीसरा फेज है इंटेस्टिनल, यहाँ भी हार्मोन प्रोड्यूस होंगे जो इस एरिया को एक्टिवेट कर देंगे, यहाँ भी हार्मोन प्रोड्यूस होंगे जो इस एरिया को स्लो कर देंगे। क्यों? ये एरिया स्लो होगा तो यहाँ की डाइजेशन फास्ट होगी ना, अब आगे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, हिस्टामिन। क्रोमाफिन सेल्स हिस्टामिन बनाते हैं, ये हिस्टामिन जलन क्रिएट करता है, गर्मी प्रोवाइड करता है, ये जाके किसको एक्टिवेट करता है, पैराइटल सेल्स को। पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, एक्सीएल बनाते हैं। जितना ज़्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा उतना एक्सीएल मज़ीद प्रोड्यूस होगा। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है तो हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आपके खाने में ज़्यादा प्रोटीन है तो हिस्टामिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जब आप हाई प्रोटीन का खाना खाते हैं, चिकन टिक्का, मटन सब्जी और ये सारी चीज़ें हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो ज़्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस होती है, आपको लगता है आपके स्टमक में ज़्यादा जलन हो रही है, होता है ना ऐसा, तो इसकी वजह से। जी, स्टमक में सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ, क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हुई, स्टार्ट होके कंप्लीट नहीं हुई। बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट हो गए, जिनको पेप्टोन्स कहते हैं। अब ये देखिए, जो खाना
स्टमक में मौजूद है वो सारे का सारा एकदम आगे नहीं भिजवाया जाएगा, ये पाइलोरिक एंड है, यहाँ पाइलोरिक मसल मौजूद है, ये पाइलोरिक मसल थोड़े से डाइजेस्ट किए हुए खाने को आगे जाने देता है, बाकी को रोक लेता है, फिर बंद हो जाता है। ये जो थोड़ा सा पोर्शन आगे गया ये पहले के मुकाबले में ज़्यादा लिक्विडी है, जो बोलस ऊपर से स्टमक में एंटर हुआ था वो सेमी सॉलिड था, अब यहाँ इतना सारा HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हुए उसमें, तो जो खाना यहाँ से आगे जाएगा वो सेमी लिक्विड है, बोलस इज सेमी सॉलिड, यहाँ से जाने वाला खाना कहलाता है काइम। काइम कैसा है? सेमी लिक्विड है। आगे कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखें 1, 2, 3, ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। पहले पोर्शन में सिर्फ डाइजेशन कंप्लीट होती है, दूसरे पोर्शन में बची हुई डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फाइनल हो जाती है और एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाती है, और आखिरी पोर्शन में कोई डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एब्सॉर्प्शन होती है। पहला पोर्शन है ड्यूटनम, सारी की सारी डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होगी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गई थी, स्टमक में रुक गई थी, ड्यूटनम में दोबारा कंटिन्यू होगी। प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुई थी, ड्यूटनम में आके कंटिन्यू हो जाएगी। लिपिड्स की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुई थी, यहाँ आके कंटिन्यू हो जाएगी। और न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन जो ना तो अभी स्टार्ट हुई थी ना अभी पॉज हुई थी, वो स्टार्ट भी होगी और कंप्लीट भी यहीं होगी। सेकेंड पोर्शन इज जेजनम, थर्ड पोर्शन इज इलियम, DJI, ड्यूटनम, जेजनम, इलियम, कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पोर्शन हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि तीनों का फंक्शन अलग है, तो तीनों का स्ट्रक्चर भी अंदर से अलग होगा। ये देखिए, ये फिर वही फिगर है किसी और एंगल से, फिर देखें, ये देखिए ड्यूटनम सारा ब्लू कलर ड्यूटनम, ये देखिए ये वाला पोर्शन 25 सेंटीमीटर, इसमें कोई कन्वल्शन नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो सोचें स्टमक से ज़रा सी देर में कितना खाना यहाँ पहुँचेगा, थोड़ा सा खाना, जितनी जगह है, बाकी खाना यहाँ बाकी रहेगा। जब ड्यूटनम खाली हो जाएगा, डाइजेस्ट करके खाना आगे भिजवा देगा, फिर अगला कायम यहाँ से आएगा। ड्यूटनम के बाद ये वाला सारा पोर्शन जेजनम है, जेजनम तकरीबन 2.5 मीटर लंबी है, और सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन इलियम। क्यों? क्योंकि सारी डाइजेस्ट एब्सॉर्प्शन इसी ने करनी है। ओके, ये सबसे लंबी है, ये तकरीबन कोई 5 मीटर होती है, इतनी लंबी है। ड्यूटनम, जेजनम, इलियम। ड्यूटनम मस्क्यूलर ट्यूब है, इसकी भी 4 लेयर्स हैं वॉल की। इसका फंक्शन क्या है? सारी डाइजेशन जो इससे पहले कहीं पे भी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ कंप्लीट होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है? अंदर की लेयर में। ये रहा इसका म्यूकोजा, ये देखें इसका, ये देखें ये सब म्यूकोजा, इसके नीचे मस्क्यूलरिस, उसके नीचे सिरोजा। तो ये बाहर की लेयर और ये सबसे अंदर की लेयर। खाना कहाँ है? खाना यहाँ। तो देखें यहाँ कौन कौन प्रेजेंट है, बहुत सारे गॉबलेट सेल्स, बहुत सारे। हर सेल को गौर से देखिए, हर सेल में से छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक सिलिया की तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो माइक्रोविलाए कहलाते हैं। इन माइक्रोविलाए का क्या फंक्शन है? दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, और इनमें से निकलने वाली सिक्रीशन डायरेक्टली फूड के साथ मिक्सअप होती है। और यहाँ एंडोक्राइन नेचर के सेल्स हैं जो क्या बनाएंगे? 3 तरह के हार्मोन जो हम अभी देखेंगे। और यहाँ पनित सेल्स हैं। पनित सेल क्या करते हैं? पनित सेल लाइसोजाइम बनाते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं।
यहाँ खास किस्म के ग्लैंड्स हैं, ये देखो ये शुरू हुआ, ये एपिथेलियल लाइनिंग और ये क्रिप्ट है, ये कौन है, ये वैली बनी हुई है, ये ऊपर को उठी हुई माउंटेन की तरह का स्ट्रक्चर और ये नीचे वादी बनी हुई है। तो ये जो वादी है इसको क्रिप्ट कहते हैं। इस क्रिप्ट में खास तरह के सेल्स होते हैं। इस क्रिप्ट को डिस्कवर किया था लाइबरक्योन ने, 100 साल पहले लाइबरक्योन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्योन, लाइबरक्योन क्रिप्ट ग्लैंड्स हैं। यहाँ बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं जो खास सीक्रीशन बनाते हैं। और दूसरी तरह के ग्लैंड्स ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स हमें किसी और जगह नजर आ जाएंगे और फिगर में। चले आज के लिए इतना काफी। मैंने आपको क्या बताया, हम पहुंच गए, हमने खाना फुली डाइजेस्ट कर लिया स्टमक के अंदर, स्टमक से निकलने वाला खाना काइम कहलाता है और स्टमक से निकलने वाला खाना सेमी लिक्विड है और इसकी पीएच 1 है, एसिडिक। ड्यूडेनम उस वक्त तक काम शुरू नहीं करेगी जब तक ये पीएच 7 ना हो जाए। तो इसका मतलब ड्यूडेनम के पास कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए कि ड्यूडेनम में खाने की पीएच अल्कलाइन हो जाए। तो ड्यूडेनम क्या करती है, स्मॉल एपिथेलियम का पहला पोर्शन क्या करता है, 1, 2, 3 तीन ऑर्गन से सिक्रीशन रिसीव करता है। ड्यूडेनम के अंदर कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आती है, ये देखिए ये ड्यूडेनम है, यहाँ कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आएगी, यहाँ सिक्रीशन आएगी लिवर में से, लिवर अपनी सिक्रीशन बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। लिवर उसी वक्त बना के नहीं भेजता, लिवर तो हर वक्त काम कर रहा है, लिवर बाइल बना रहा है, ये बाइल गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब जब जरूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर इसको भिजवा देता है ड्यूडेनम के पास, पहली सिक्रीशन। दूसरी सिक्रीशन पैंक्रियस, पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से डक्ट के थ्रू आता है ड्यूडेनम में। पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर दोनों की ट्यूब आपस में मिल जाती है, इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों ट्यूब्स, बाइल लेकर आने वाली और पैंक्रियाटिक जूस लेकर आने वाली, ये डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। और ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल लेकर कहाँ जा रही है, ड्यूडेनम के पास। तीसरी सिक्रीशन, ड्यूडेनम की अपनी वॉल 5 एंजाइम्स बनाती है। ड्यूडेनम की अपनी वॉल में भी बहुत सारे सेल्स हैं जो बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, ये तीसरी सिक्रीशन हो गई। तो जो खाना काइम की फॉर्म में ड्यूडेनम में एंटर होगा, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 1, 2 और 3 तीन तरह के अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। तो हम कल देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस क्या है, इसमें क्या क्या है और इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पहुँच के ये क्या फंक्शन करेगा। कल देखेंगे लिवर बाइल कैसे बनाता है और यहाँ से ड्यूडेनम में पहुँचने वाली बाइल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। और हम देखेंगे इन दोनों सिक्रीशन के साथ इंटेस्टिनल सिक्रीशन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। ये इतना सा 25 सेंटीमीटर, अब घर पे जाके ज़रा इंची टेप, मेजरमेंट टेप या एक रूलर फुट्टा ढूंढना और उस पर देखना 25 सेंटीमीटर कितना फासला है। 25 सेंटीमीटर मुश्किल से आपके एक हाथ के बराबर है। तो ये इतने से पोर्शन में 3 सिक्रीशंस आ रही हैं, ठीक है। तो कल हम इस